नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनते ही संविदा कर्मियों की सैलरी ठकाठक हो गई 12,000। क्या है पूरी जानकारी बताएंगे आपको। दोस्तों राहुल गांधी ने कहा था कि अगर उनकी सरकार आएगी तो राहुल गांधी जी जो है अगर प्रधानमंत्री इस बार बनते हैं तो 12,000 रुपये तो सबको मिलेंगे ही, संविदा वालों को, जो महिलाएं हैं, आंगनबाड़ी एवं विभिन्न प्रकार, जो बाकी 8,500 रुपये जो है प्रत्येक व्यक्ति के खाते में, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के खाते में जो घर की मुखिया महिला होगी उसके खाते में जो है 8,500 रुपये खटाखट दिए जाएंगे। तो ये एक बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों के लिए है। और प्रधानमंत्री बनने से थोड़ा सा चूक गए राहुल गांधी, नहीं तो आप लोगों को 8,500 रुपये मिलने लगते। तो दोस्तों जितने लोगों ने भी राहुल गांधी को जिताया वो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और जितने लोग बीजेपी में हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं। और आप इस बार तो आप जिसको जिताना था जिता चुके, अगली बार आप किसको जिताएंगे ज़रूर बताएं। दोस्तों साथ में टर्म और कंडीशन भी हैं कुछ, उनको भी आप सुन लीजिए कि दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है। आप देख रहे थे यूपी न्यूज़ तह तक। ऐसी शानदार और ज़बरदस्त टकाटक खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप ठकाठक ठोंक दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। इस वीडियो में तो आप लोगों से हो गई ये बात, बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद।